द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा द थीव स्टोरी को लिखा गया। टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स समरी। ए 15 ईयर्स ओल्ड स्किल्ड थीव हरि सिंह ऑफन चेंजेज हिज नेम फॉर सिक्योरिटी ट्राई टू रोब अ 25 ईयर्स ओल्ड टॉल थिन काइंड सिंपल एंड ईजी गोइंग राइटर अनिल। 15 साल का एक चोरी में स्किल चोर जिसका नाम हरि सिंह था, जो हमेशा अपना नाम सिक्योरिटी की वजह से चेंज करता रहता था। 25 साल के लंबे पतले दयालु साधारण और सिंपल से लेखक अनिल को ठगने का प्रयास करता है। द थीप विद हिज अपीलिंग स्माइल टू इम्प्रेस हिम आस्क फॉर सम वर्क एट विच अनिल एग्रीज टू प्रोवाइड हिम फूड एंड शेल्टर नॉट एनी मनी ओनली इफ ही एग्रीज टू कुक फॉर हिम। चोर अनिल को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए एक अपीलिंग मुस्कान उसके सामने देता है और अनिल से कुछ काम मांगता है। अनिल उसे खाना और आसरा देने को सहमत हो जाता है, परंतु पैसे देने के लिए वह सहमत नहीं होता, और वो भी इस शर्त पर कि अगर हरि सिंह उसके लिए खाना बनाने के लिए सहमत होता है तब। Although अनिल knows his designs and intentions from the very beginning, yet he trusts him and gives his door keys to him। हालांकि अनिल शुरू से ही उसकी डिजाइंस, उसके प्लान्स, उसकी इंटेंशंस, उसके इरादों के बारे में जानता है, यट ही ट्रस्ट हिम, फिर भी वह उस पर विश्वास करता है और उसे अपने घर के दरवाजे की चाबियां दे देता है। टू रिफॉर्म हिम अनिल ट्राई टू टीच हिम हाउ टू राइट हिज नेम होल सेंटेंसेज एंड एड नंबर्स। उसे सुधारने के लिए अनिल उसे संख्याओं को जोड़ना, पूरे सेंटेंस को लिखना और अपना नाम कैसे लिखना है, ये सब उसने उसे सिखाने की कोशिश की। वाइल हरि सिंह कीप्स मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अ रूपी पर डे फ्रॉम द बाइंग ऑफ डेली नीड्स। जबकि हरि सिंह घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीदने के लिए जो भी पैसे मिलते थे उसमें से एक रुपया बचा लेता था। वन डे अनिल ब्रिंग्स 600 रुपीज आफ्टर सेलिंग अ बुक। एक दिन एक किताब को बेचने के बाद अनिल 600 रुपए घर लाता है। एंड द थीफ आइज ऑन इट, और चोर इस पर अपने नजरें गड़ा देता है। ड्यूरिंग नाइट ही स्टील्स द मनी एंड रन्स अवे टू द स्टेशन टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस। रात के दौरान वह उस पैसे को चुरा लेता है और लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए वह स्टेशन की ओर दौड़ता है। व्हेन ही इज अबाउट टू कैच द ट्रेन, जब वह ट्रेन को पकड़ने वाला ही होता है, तभी ही थिंक्स ऑफ अनिल, वह अनिल के बारे में सोचता है। एज ही ट्रस्ट, और उसके उस विश्वास के बारे में सोचता है जो वह उस चोर पर करता है। एंड द टीचिंग विच कुड एजुकेट हिम, और अनिल द्वारा दी जाने वाली उस पढ़ाई के बारे में सोचता है जो उसे शिक्षित बना सकती है। एंड कम्स बैक, ये सोचकर वह वापस आ जाता है। ही पुट्स द मनी एट द सेम प्लेस इन अ होप दैट अनिल विल नॉट नो इट। वह उस पैसे को उसी जगह पर रख देता है इस उम्मीद के साथ कि अनिल को इसके बारे में पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन अनिल गिव्स हिम अ नोट ऑफ 50 रुपीज। अनिल उसे 50 रुपए का एक नोट देता है। एंड टेल्स हिम दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड He will pay him regularly and also teach him how to write a whole sentence। और उसे बताता है कि अब से वह उसको लगातार पैसे दिया करेगा और पूरे सेंटेंस को कैसे लिखना है यह भी वह उसे सिखाएगा। Now we are going to take its character sketch। Write down the character sketch of Anil, or how did Anil earn his living, or who was Anil, how did he treat Hari Singh and how did it influence Hari's life। Anil ka charitra chitran likhiye। Anil apni aajivika kaise kamata tha, Anil kaun tha, usne Hari Singh ke sath kaisa vyavhar kiya aur isne Hari Singh ke jeevan ko kaise prabhavit kiya। Anil is a simple, kind and easy going writer। Anil ek dayalu, sadharan aur easy going lekhak tha। He doesn't care much about money whenever he earns from his writings। जब कभी भी वह अपने writings से पैसे कमाता था तो वह उसकी कोई परवाह नहीं करता था। He is very positive in thinking। वह सोच में बहुत सकारात्मक है। He knows all about the thief from the very beginning, still he trusts him।
वह शुरू से ही चोर के बारे में सब कुछ जानता है, इसके बावजूद भी वह उस पर भरोसा करता है एंड ट्राई टू डू गुड फॉर हिम बाय गिविंग हिम प्रॉपर नॉलेज ऑफ हाउ टू रीड राइट एंड ऐड नंबर्स, और उसे कैसे संख्याओं को जोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इसकी उसे वह नॉलेज देने की कोशिश करता है। इवन हाउ टू कुक, यहाँ तक कि वह उसको सिखाता है कि कैसे खाना बनाना है। इन द एंड, आखिर में, ही इवन पेज द थीफ सो दैट ही मे बी केप्ट ऑन द राइट ट्रैक। आखिर में वह उस चोर को पैसे भी देता है ताकि उसको सही ट्रैक पर रखा जा सके। इन दिस वे वी कैन से दैट अनिल इज ए गुड एंड इंटेलिजेंट पर्सन हु हेल्प्स द थीफ इवन आफ्टर नोइंग हिज वीकनेस ऑफ स्टीलिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनिल एक अच्छा और इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो कि चोर की चोरी करने की कमजोरी को जानते हुए भी उसकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, हरी सिंह का चित्रण लिखिए। व्हाट मेड द नरेटर स्टील अनिल्स 600 रुपीज, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट। किसकी वजह से नरेटर ने अनिल के 600 रुपये चुराए और उसके बाद उसने क्या किया। व्हाई डिड ही पुट द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने पैसे को मैट के नीचे क्यों रखा। हाउ एंड व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न टू अनिल्स रूम इवन दो ही हैज एस्केप्ड विद द स्टोलन मनी। कैसे और क्यों नरेटर अनिल के कमरे में वापस लौटा जबकि वह पैसे चुरा कर भाग चुका था। और हाउ वॉज द नरेटर ए चेंज्ड पर्सन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में नरेटर एक बदला हुआ व्यक्ति था कैसे। हरी सिंह इज अ वेरी क्लेवर एंड स्किल्ड थीफ। हरी सिंह एक बहुत चालाक और निपुण चोर था। ही टेक्स अ न्यू नेम एवरी मंथ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस। पुलिस से बचने के लिए हर महीने एक नया नाम रख लेता है। ही डजेंट लाइक टू कीप फ्रेंड्स एंड रिमेन्स अलोन। वह दोस्तों को रखना पसंद नहीं करता और अकेला रहता है। ही इज सो गुड इन जजिंग हिज प्रे एंड वेल वर्स्ड इन हिज टॉकिंग एज हिज विक्टिम्स कैन नॉट रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम कीपिंग हिम अवे। वह बातें करने में और अपने शिकार को जज करने में इतना अच्छा है कि उसका जो शिकार है वह अपने आप को उससे दूर रखने में असमर्थ हो जाता है। ऑल्दो ही इज अ स्किल्ड थीफ यट ही हैज अ ह्यूमन हार्ट। हालांकि वह एक निपुण चोर है तब भी उसमें एक इंसानी दिल है। आफ्टर हिज सक्सेसफुल थेफ्ट ही रिटर्न्स टू द सेम प्लेस एंड पुट्स द मनी बैक अंडर द मैट्रेस। सफलतापूर्वक चोरी करने के बाद वह उसी स्थान पर वापस आता है और मैट्रेस के नीचे उस पैसे को, धन को रख देता है। ही डज सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ हिज काइंड ओनर हु इज ट्राइंग टू एजुकेट हिम सो दैट ही मे लीड अ रिस्पेक्टेड मैनज लाइफ। वह ऐसा अपने दयालु मालिक जो कि उसको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति की जीवन जी सके, उसके विश्वास को रखने के लिए वह ऐसा करता है। इन दिस वे वी फाइंड द थीफ अ सेंसिबल पर्सन हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ रिस्पेक्टेड एंड रिफाइंड मैन। इस प्रकार हम पाते हैं कि चोर एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति है जो कि एक इज्जतदार और रिफाइंड व्यक्ति बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीफ स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड डिस्कस। द थीफ स्टोरी इंसानी दिमाग की गहराई से स्टडी करती है, उसका अध्ययन करती है। इसको डिस्कस कीजिए। नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन एंड हाउ समवन माइंड टर्न्स टुवर्ड्स गुडनेस और विकडनेस। कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब और कैसे किसी का दिमाग अच्छी चीज़ों की ओर मुड़ जाए या बुरी चीज़ों की ओर मुड़ जाए। इन द प्रेजेंट स्टोरी, इस प्रस्तुत कहानी में, द थीफ हु इज अ क्राफ्टी मैन एंटर्स वेरी क्लेवरली इन टू अनिल्ज हाउस आफ्टर विनिंग हिज कॉन्फिडेंस थ्रू हिज फ्लैटरी एंड अपीलिंग स्माइल इन ऑर्डर टू रोब हिम। इस प्रस्तुत कहानी में अपनी चापलूसी और आकर्षित करने वाली मुस्कान के साथ अनिल का विश्वास जीतकर बड़ी चालाकी से वह चालाक व्यक्ति जो कि चोर है अनिल के घर में दाखिल हो जाता है उसके यहाँ चोरी करने के लिए। आफ्टर रोबिंग हिम, चोरी करने के बाद ही रन्स अवे, वह भाग जाता है। वेरी सून ही रियलाइजेज दैट ही कांट डिसीव अ पर्सन हु हैज बीन सो गुड टू हिम। जल्दी वह ये बात महसूस करता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जो उसके साथ अच्छा कर रहा हो उसे धोखा नहीं दे सकता। हिज कॉन्शियस इज अवेकंड,
उसकी अंतरात्मा जागती है। ही कम्स बैक एंड प्लेसिज द मनी अंडर द मैट्रेस एज इट वॉज बिफोर। वह वापिस आता है और पैसे को उसी मैट्रेस के नीचे रख देता है जैसे वह पहले था। इन दिस वे द स्टोरी शोज हाउ कम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव थिंग अ ह्यूमन माइंड इज। इस प्रकार से कहानी ये दिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना उलझा हुआ और सेंसिटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द स्टोरी। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई किस के लिए आया है और हु इज आई इन द रस्किन बॉन्ड स्टोरी और रस्किन बॉन्ड की कहानी में आई कौन है। वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हर महीने वह अपना नाम क्यों बदलता था। आई हियर रेफर्स टू हरी सिंह द थीफ। आई यहाँ पर चोर हरी सिंह के लिए है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस। पुलिस से बचाने के लिए ही यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ। वह हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था। वट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वह एक साफ और सफल हाथ किस में रखता है। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट थीविंग। उसका साफ और सफल हाथ चोरी करने में है। वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले में वह अनिल से क्या पाता है। ही गेट्स फूड एंड शेल्टर इन एडिशन टू द नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। वह काम के बदले में अनिल से पढ़ने और लिखने के ज्ञान के साथ साथ खाना और आसरा पाता है। How does the thief think Anil will react to the theft? चोर क्या सोचता है कि अनिल चोरी के जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, उस पर कैसी प्रतिक्रिया करेगा। He will show only a touch of sadness. वह केवल थोड़ी सी उदासी दिखाएगा। Not for the loss of money. पैसे खोने की वजह से नहीं, but for the loss of trust in the reaction of theft. परंतु चोरी की प्रतिक्रिया में विश्वास टूटने को लेकर वह थोड़ी सी sadness दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। वह क्या कहता है उन अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में जब उन्हें लूट लिया जाता है। व्हेन पीपल लूज देयर गुड्स। जब लोग अपना सामान खो देते हैं। हिज फेस स्टडी सेज। उसके द्वारा उनकी फेस की स्टडी करने पर उनकी फेस स्टडी ये कहती है दैट द ग्रीडी मैन शोज फियर। जो लालची व्यक्ति होता है वह डर दिखाता है। ए रिच एंगर। जबकि एक अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता है। वेयर एज अ पुअर। जबकि एक पुअर व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति ओनली एक्सेप्टेंस अपनी स्वीकृति दिखाता है, स्वीकार कर लेता है उन चीजों को। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड। क्या अनिल को ये पता होता है कि उसको ठग लिया गया है। यस हाँ हाँ। अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रोब्ड एज द नोट्स वर वेट। अनिल को पता होता है कि उसे ठग लिया गया है क्योंकि नोट गीले थे। हाउ डिड द थीफ रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट। और हाउ डिड द थीफ रियलाइज द अनिल न्यू दैट इट हैड बीन स्टोलन। चोर को कैसे पता लगा कि अनिल जानता था कि उन पैसों को चुराया गया था। द थीफ रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट एज द 50 rupees नोट दैट अनिल गेव हिम वॉज वेट। चोर को पता लगा कि अनिल उस चोरी के बारे में जानता था क्योंकि अनिल ने जो उसे 50 rupees का नोट दिया था वो गीला था। Why should he find friends to be more trouble than help? वह दोस्तों को मददगार की जगह मुसीबत ज़्यादा मानता था क्यों। फ्रेंड्स में रिवील हिज आइडेंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन टू पुलिस। दोस्त पुलिस को उसकी पहचान और उसकी जानकारी दे सकते हैं। सो ही फाइंड्स फ्रेंड्स टू बी मोर ट्रबल देन हेल्प। इसीलिए वह दोस्तों को मददगार की जगह मुसीबत मानता है। वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज इट डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस पर्सन। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन फॉर समटाइम्स सच अ पर्सन डजेंट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रोब्ड। हरी सिंह के अनुसार एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना कई बार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो कई बार उस चोरी के बारे में कि उन्हें ठग लिया गया है कभी नोटिस भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते। ऑल दिस टेक्स अवे द प्लेजर ऑफ थेफ्ट। और ये सब कुछ चोरी के आनंद को खत्म कर देता है। वाई डिड हरी सिंह स्माइल इन द मोस्ट अपीलिंग वे। हरी सिंह ने क्यों सबसे अधिक आकर्षित करने वाली स्माइल दी। हरी सिंह स्माइल्स इन द मोस्ट अपीलिंग वे टू इम्प्रेस हिज प्रे अनिल। हरी सिंह अपने शिकार अनिल को प्रभावित करने के लिए मोस्ट अपीलिंग मुस्कान दी थी।
वाई डिड हरी सिंह वॉन्ट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन? हरी सिंह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों बनना चाहता था? हरी सिंह वॉन्टेड टू बिकम एन एजुकेटेड मैन। हरी सिंह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनना चाहता था क्योंकि एज वंस ही वॉज एबल टू राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि एक बार अगर उसे एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना आ जाए, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट ही कुड अचीव, तब वह क्या प्राप्त कर सकता था इसकी कोई सीमा नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।